ये हम बाड़ी में आ गए हैं पपीता तोड़ने के लिए। आज पपीता की सब्जी बनाएंगे हम लोग। कच्चे पपीता से बहुत बढ़िया सब्जी बनता है। लौकी से भी टेस्टी, लौकी की तरह लगता है सब्जी और उसे थोड़ा टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये तोड़ करके ले आई हूँ मैं अपनी बारी से। एक पपीता, दो ठो पेड़ है, बहुत फल है दोनों पेड़। और केला का भी पेड़ है, केला भी फल है। केला का भी रेसिपी दिखाऊंगी आगे चल के। और ये मैं जला ली आग, आग जल गया। और ये मूंग दाल है, मेरा अरहर का दाल ख़त्म हो गया था तो मूंग दाल बना रही हूँ आज। मूंग दाल रखी रहती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी के लिए लगता है तो उसमें क्या ही ना बना रही हूँ मूंग दाल को आज मैं। और चावल, और ये चूल्हा मेरा छोटा बड़ा हो गया था, और ये बड़ा कुकर में ठीक आता है उस हिसाब से मैं बनाई थी, कढ़ाई और बड़ा कुकर के हिसाब से। और ये दोनों बर्तन, छोटा हो जाता है मेरा चावल वाला और छोटा कुकर, तो इसके ऊपर में रखे हैं हम लोग खपरा। खपरा लेकर के आए मिस्टर, तो उसे और क्या बोलते हैं पता तो नहीं, हमारे इधर खपरा बोलते हैं जो छप्पर में लगा रहता है वो वाला, उसको रख रहे हैं ना तो बन जाता है। और इधर चावल दाल धोकर की मैं रख ली हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेम अनीता ब्लॉग्स पर। मैं अनीता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ज़रूर। और इधर मैं सब्जी काट रही हूँ पपीता को, ऐसे ही काटना रहता है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता इसमें। इसका बीज निकाल करके और छील लेते हैं, लौकी की तरह सेम जैसे लौकी को छीलते हैं काटते हैं उसी तरह है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत इसमें नहीं लगता है। ये छिला गया मेरा पपीता और इधर दाल बन रहा है, और सब्जी सुधारते तक चावल दाल बन जाता है आराम से अगर चूल्हे में बनाओ तो, या फिर ऐसे ही बनाओ डबल चूल्हे में तो पहले तैयारी कर लो उसके बाद फिर खाना एक साथ चढ़ाओ, उससे अच्छा है कि एक एक करके बनाते रहो। अपना सब्जी भी बनता जाता है, सब धो करके रख ली थी तो। और ये मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर ली हूँ। और ये हींग डाली, जीरा, सूखी मिर्च और मेथी, सरसों करके, और इधर हरी मिर्च, मेथी पत्ती। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर को घोल करके रखी थी उसको। और ये पपीता को धो करके काट करके रख ली थी, इसको ऐड कर दी है। उसके बाद सब मसाले में मिक्स करके इसको ढक करके फिर थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। भुना भी जाएगा और पक भी जाएगा। ये आधा जले कंडे में रख दी थी चावल को, एक उबाल आया तो उसके बाद तो चावल भी बन गया। और सब्जी में टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर में ही नमक डाल दी थी तो इससे ना टमाटर जल्दी सिकल जाता है, नमक डला रहता है उसी में तो। और थोड़ा सा पानी ताकि नीचे जले ना, सब्जी लगे ना। और इधर दाल में तड़का मारने के लिए, तो मूंग दाल है ना तो मूंग दाल में घी का तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए घी से तड़का लगा रही हूँ मूंग दाल है तो। और ये जीरा ऐड कर दिए, उसके बाद फिर सूखी मिर्च, सूखी मिर्च ऐड करने के बाद फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग
और फिर और ज़्यादा कुछ तो नहीं डालूंगी, सूखी मिर्च, हींग और जीरा से बस तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि घी से है तो उसका टेस्ट ही अपने में ही अलग उसका टेस्ट रहता है, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं रहता। ये लग गया मेरे दाल में तड़का, दाल में तड़का भी लग गया, और इधर मैं सब्जी भी थोड़ा सा बस बचा है, ये टमाटर को पूरा मिक्स कर रही हूँ, नमक डाल दी थी तो अच्छे से तो टमाटर गल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा बचा है और सब ये भी बन जाएगी, तो इसके लिए मैं डाली हूँ उसमें थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी डाल दी हूँ, और उसको पूरा सूखने तक के पानी, धनिया पत्ती वगैरह सब डाल करके रख दी थी, 5 मिनट में वो पूरा सूख भी गई और सब्जी पक भी गई अच्छे से, टमाटर और पपीता दोनों। और इधर रोटी बना रही हूँ, चावल दाल सब्जी तो बन गई है, रोटी बस बचा है, दुकान भी जाना है तो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, सुबह करो काम, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह में। और इधर जस्ट रोटी बनाई थी, 2 बस रोटी बना पाई थी, फिर मेहमान आ गए थे सुबह नंदनी के उसके बुआ लोग, तो चाय पानी उनका करते तक फिर आधा एक घंटा उसी में निकल गया, उसके बाद फिर ये मिस्टर जी को दे रही हूँ, खाना बन गया है, रोटी में लगा ली घी। मिस्टर जी खा रहे हैं खाना और बच्चे लोग चाय और रोटी खा रहे हैं, उसके बाद इनका तो छुट्टी है आज, बच्चे लोग का गुरु नानक जयंती है, तो लोग घर में ही रहेंगे और हम लोग आ गए हैं दुकान बुटीक में। और ये मैं ब्लाउज डिजाइन बनाई हूँ, उसमें ना बटन लगाना था तो ग्रीन कलर का बटन ही नहीं मिला, हम लोग इतना ढूंढे तो फिर आइडिया आया कि उसको ग्रीन कलर का जो कपड़ा बच्चा है छोटा छोटा टुकड़ा, उसी में बटन डाल करके उसको बना सकते करके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर सिलाई जो करते होंगे बहन लोग उन लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे बना रहे हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता, मस्त बन जाता है, अगर नहीं मिला बटन कलर का मैचिंग का तो बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।